अच्छा आज का काम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी निकलता हूँ, घर वालों के साथ टाइम बिताता हूँ। आज सुबह जल्दी भी निकला था ना, चलो। अरे साहब का फोन, साहब ने फोन कर दिया। हेलो हेलो। हाँ प्रेम। हाँ सर बोलिए। अरे प्रेम कहाँ पे हो? सर सेक्टर 4 का तो काम खत्म हो गया मेरा। आज का काम खत्म हो गया? हाँ सर आज का काम तो खत्म हो गया आज। ठीक है काम करो, अभी कहाँ पे हो तुम? अभी तो मैं सेक्टर 4 का काम खत्म किया, आपको कहा ना अभी मैं वहीं से घर के लिए निकल रहा था सर। अरे नहीं नहीं नहीं, घर मत जाओ तुम। क्यों? अरे यहाँ पे सेक्टर 2 में जरा एक कोरोना पेशेंट मिला हुआ है यहाँ की सोसाइटी में। हाँ तो वहाँ पे 5 कर्मचारियों की ज़रूरत है हमें, तो मैंने ऑलरेडी 4 को तो भेज दिया है लेकिन 1 की ज़रूरत है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। साहब मैंने तो यहाँ का काम ख़त्म कर दिया साहब। अरे लेकिन प्रेम तुमको समझना पड़ेगा, अगर देखो अगर तुम्हें जम रहा है तो तुम आ जाओ, वरना कोई बात नहीं। अरे यार साहब ने बुला लिया, मुझे घर पे भी जाना था, क्या करूँ क्या करूँ यार, लेकिन मेरा कर्तव्य भी मुझे करना है, घर पे तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ। हाँ हाँ चलेगा, मैं साहब को बोल देता हूँ मैं आ रहा हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ साहब, हाँ मैं आता हूँ, आप बता दीजिए मुझे कहाँ आना है साहब, मैं आ जाऊँगा। ठीक है ओके ओके साहब। हाँ चलो रखते हैं सर। हेलो। हाँ पापा आप कहाँ पे हो? बेटा काम खत्म करके मैं निकल रहा था। हाँ पापा जल्दी से घर पे आ जाओ, मम्मी ने समोसा बनाई। घर पे? बेटा मुझे आज थोड़ी आने में देर हो जाएगी। क्यों पापा? बेटा काम तो मैंने खत्म कर लिया है लेकिन साहब का फोन आया था, तो साहब ने कहा कि हमें सेक्टर 2 में जाना होगा। सेक्टर 2 में क्यों पापा? थोड़ी साफ सफाई और करनी बाकी रह गई है, क्योंकि अभी जो कोरोना बीमारी चल रही है ना, इसकी वजह से हम लोगों का काम ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा जो कामगार है वो लोग भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे ना बेटा, तो इसकी वजह से थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है। लेकिन पापा आपने प्रॉमिस किया था। इस वक्त तो मुझे वहाँ पर जाना होगा ना बेटा, मैं घर पर आ जाऊँगा, आज थोड़ा लेट होगा मुझे लेकिन मैं पक्का घर पर आ जाऊँगा। बाय पापा, अपना ध्यान रखना। ओके बेटा बाय। तो मेरा कर्तव्य निभाया, अब आपकी बारी, घर रहकर आप अपना कर्तव्य निभाएं।